भाइयों और बहनों, ओडिशा गरीब नहीं है, ओडिशा के लोगों में सामर्थ्य की कमी नहीं है। यहां संपदा भी है, संसाधन भी है और संकल्प को पूरा करने वाली ये मेरे उड़ीसा की जनता जनार्दन भी है। अगर यहां कुछ नहीं रहा है तो वो है सही नीति नहीं है और सही नियत नहीं है। बीजेडी की नियत सही होती तो किसानों को उनकी उपज की लागत का 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिलता जो चौकीदार ने तय किया है। अगर बीजेडी की नियत सही होती तो यहां के करीब 50 लाख किसानों को जो हजारों करोड़ रुपए सीधे खाते में आने थे उसको रोका नहीं जाता। बीजेडी की नियत सही होती तो आयुष्मान भारत के तहत देश भर के अस्पतालों को 5 लाख रुपया तक का मुफ्त इलाज यहां के गरीबों को वो रुकता नहीं। बीजेडी की नियत सही होती तो यहां के अस्पतालों का काम नहीं लटकता, अस्पताल बेहाल ना होते। बीजेडी की नियत सही होती तो मोदी जो अब तक 8 लाख पक्के घर गरीबों को दे पाया है उसकी संख्या उससे भी ज्यादा होती। अकेले उड़ीसा में 8 लाख घर दे पाया हूं, लेकिन अगर सरकार ठीक होती तो शायद ये आंकड़ा और अनेक लाखों में जुड़ जाता और गरीब अपने पक्के घर में रहते। बीजेडी की नियत सही होती तो महानदी कोल लिमिटेड में कोल कॉरिडोर का प्रोजेक्ट कभी भी न लटकता, हजारों युवाओं का रोजगार न फंसता। बीजेडी की नियत सही होती तो जो पैसे केंद्र सरकार उसे भेजती है उसे सही तरीके से खर्च करती, उस पर ताला लगाकर बैठ नहीं जाती। बीजेडी की नियत सही होती तो खदानों से मिलने वाली रॉयल्टी के पैसे यहां स्कूल खुलवाती, अस्पताल खुलवाती, सिंचाई की योजनाओं को पूरा कराती। लेकिन साथियों, बीजेडी आपके विकास पर लोग रोक लगाकर बैठ गई है। क्या ऐसी पार्टी को सजा नहीं देनी चाहिए? ऐसी पार्टी को विदाई करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? उड़ीसा की भलाई के लिए बदलाव लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? उड़ीसा के आपके संतानों के लिए, यहां की युवा पीढ़ी के लिए नई तेज तरार सरकार की जरूरत है कि नहीं है? क्या इतनी सुस्त सरकार ओडिशा का विकास कर पाएगी क्या?